नमस्कार, मैं खड़ा हूँ हिसार की एक खूबसूरत पॉश कॉलोनी के अंदर और जो अपने आप में आज इल्यूमिनेट कर रही है, जगमगा रही है ये कॉलोनी। मार्बल सिटी के नाम से ये कॉलोनी बसी और आज एक ऐसा पवित्र और पावन कार्य होने जा रहा है। नरेश यादव जी मेरे साथ हैं और मुस्कुराते हुए मेयर साहब सरदाना जी मेरे साथ हैं, तो दोनों ही इनका मिलन है। और आज मिलन की घड़ी ये है कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, विशाल काय भव्य मंदिर इस मार्बल सिटी के अंदर आज उसका उद्घाटन हो रहा है। हनुमान जी की अनुकंपा हम पे हो रही है। नरेश जी ने गांव से आकर और यहाँ शहर के अंदर इतना धूम मचाई है सरदाना जी, मैं बयां नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि यहाँ इस हनुमान मंदिर के बनने के बाद और आपके कर कमलों से कितना यानी कि विकास हुआ है। ये आप ही से जानूंगा कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, चारों तरफ यानी कि वादियाँ फैल गई हैं इस मार्बल सिटी की वजह से। नरेश जी, पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानूंगा कि आज के मेहमान खसूसी OSD किशन बेदी जी अभी पहुँचने वाले हैं और शहर के फर्स्ट मैन जिसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन सरदाना जी, छोटी सरकार के मुखिया हैं, वो आपके साथ हैं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जो बहुत मान्यता होती है और जिसकी होती है, ये मार्बल सिटी के अंदर गांव के एक लड़के ने यहाँ डेवलप कर दिया, ये कैसे करिश्मा हुआ और उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हुई? आज सरदाना साहब भी मौके पर हैं। सबसे पहले तो मैं हंसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और सरदाना साहब की तरफ से और पूरे शहरवासियों की तरफ से बड़ा खुशी का माहौल है। बाबा जी विराजमान होने जा रहे हैं, कायाकल्प होने जा रहा है और मैं सरदाना सिंह जी को आज इसलिए बुलाया है, आज से 2016 में 6 साल पहले सरदाना जी हमारे गुरु जी ने कहा था कि यहाँ पे अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी की स्थापना हुई तो जो रोजाना पिछले 10-15 साल से जो भी सरकार आई एयरपोर्ट कर रही थी, तो हमारे गुरु जी ने कहा कि यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी की स्थापना अगर होगी तो ये सोच लो नरेश जी, इसार पूरे हिंदुस्तान के इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर स्थापित हो जाएगा। तो हमने उसी टाइम, मैं बोला इतनी सी बात है, ये तो दो काम हो रहे हैं, शहर का भी श्रृंगार और बाबा का भी दरबार। हमने दोनों चीज़ों को अपने हाथों में लिया और इंसान जब करने पे आता है, आप तो बंसल जी गांव में भी जाते रहते हैं, आपने देखा है, और मेरे साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि गांव हमारा जो ढाणा खुर्द है आपको एक बार निहारना है उसको, और आप एक बार देख के आइए कि छोटे भाइयों ने कुछ कोशिश करी है और आप लोग वहाँ जाएंगे। और मेयर साहब तो छोटी सरकार के मालिक हैं जी, इनकी तो आवाज़ सरकार तुरंत सुन लेती है जी, और हमारे को ऐसी ऐसी सरकारों की जरूरत है, इसलिए मेयर साहब को बाबा ने स्पेशल यहाँ बुला लिया। एक बार जोकारा जयकारा लगा दीजिएगा जोरदार। बल बजरंग बली हनुमान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं मेयर साहब से ही जानूंगा, सरदाना जी मार्बल सिटी का नाम आपने सुना, आप इस शहर के फर्स्ट पर्सन हैं, मेयर हैं नगर निगम के, और आज दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का शुभारंभ होगा और यहाँ जागरण भी होगा और नरेश जी ने यहाँ चमन कर दिया, गांव के अंदर चमन कर दिया, आपका क्या कहना है? यहाँ आप एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं तो मुख्य अतिथि भी कह दूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और आपकी मुस्कुराहट देख कर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप बड़े पूरे हृदय से आए हो। सबसे पहले तो हंसी की आवाज़ चैनल पर मैं भी पहली बार ही रूबरू हो रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। चलो। और नरेश यादव जी को जो ढाणा गांव से चलकर यहाँ पर जो हनुमान मंदिर की स्थापना की है, मैं इनको सबसे पहले बधाई देता हूँ। और मार्बल सिटी जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर एक कॉलोनी जो बनाई गई थी, मुझे लगता है कि यहाँ पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है, सभी कॉलोनी वासियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे धार्मिक कार्यक्रम जहाँ होते हैं वहाँ ईश्वर की कृपा ज़रूर होती है, बाबा की कृपा ज़रूर होती है। और इन्होंने जो एयरपोर्ट से जोड़ा, हिसार का एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और ये हमारे हिसार का सौभाग्य है।
और यहाँ पर एयरपोर्ट का बनने का मतलब है रोजगार बढ़ेगा, और एयरपोर्ट बनने का मतलब यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बीटेक और एमबीबीएस करके बाहर चले जाते थे, मेडिकल हब भी यहाँ बनने जा रहा है। तो हिसार कोरोना में भी आपने देखा कि काफ़ी दूर दूर से कई और चार स्टेटों से लगभग राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली से पेशेंट यहाँ आए सारे। तो ये मेडिकल हब जो बनने जा रहा है और एयरपोर्ट के कारण, और सबसे नज़दीक एयरपोर्ट के ये कॉलोनी भी पड़ती है, ये इस कॉलोनी के अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे कि मैसूर की किसी कॉलोनी में आ गए हो या हम बंगलोर में आ गए। ये तो पुरानी कॉलोनी है हिसार में, ऐसे ऐसी अब ये और भी डेवलप करवा रहे हैं, तीन चार कॉलोनियां और पास होकर आ चुकी है। अच्छा, जो बगला रोड पर भी CLU मिल चुकी है, और ऐसे अब हिसार क्योंकि बड़ा शहर बनने जा रहा है तो ऐसी पॉश कॉलोनियां और वैध कॉलोनियां जो सरकार से परमिशन लेकर डेवलपमेंट चार्ज भरकर जो काटी जा रही हैं उनको अच्छी डेवलप की जा रही हैं। मैं नरेश जी को शुभकामनाएं देता हूं जो यहां पर आज मंदिर की स्थापना की, बाबा का आशीर्वाद लिया और हम सबको भी यहां आने का अवसर मिला, और बाबा का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। सताना जी, आप हमारे चैनल पर आए और आपने पूरा हिसार का मैप मेरे सामने रखा है, इसी तरह की चार कॉलोनियाँ और डेवलप कर रहे हैं हिसार को, बड़े एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो रही है, बन रहा है, तो ऐसी बहुत सारी प्लानिंग है और आप ही की रहनुमाई में हिसार के चार चांद लगेंगे। आपको गलत बात है, एंटर करते ही कैसी महसूस हुई? बड़ा भव्य कार्यक्रम है और यहाँ की टीम ने बड़ा अच्छा आयोजन किया, मैं इसके लिए नरेश जी को उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। OSD साहब, जैसे ही आपने एंटर किया होगा तो कैसी लुक आई आपको? बहुत भव्य और मन भावन। आप तो मंत्री भी रहे हैं और अब OSD हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? OSD नहीं हूँ, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हूँ। पॉलिटिकल सेक्रेटरी है तो चलो, वो उससे ही बड़ा होता होता है, और आप पे फुल वर्षा हो रही है। हिसार शहर मैग्नेट सिटी के अलावा यानी कि ऐसी ऐसी पॉश कॉलोनियों का भी हो गया। नरेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नरेश जी एक समाज सेवी साथी हैं, गांव से उठकर निकल के आए और पर्यावरण के प्रति, समाज की एकता और अखंडता के प्रति और सामूहिक विकास हो, ऐसी सोच को लेकर चले हुए साथी हैं। और हम तो आज परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं कि इनको बहुत बहुत नई नई ऊंचाइयां दे, और समाज सेवा में इसी प्रकार से जिस माता की कोख में इन पैदा हुए हैं, जी जी जी, तो उनको मैं नमन करता हूँ, पूरे इनके सेवा भाव को मैं नमन करता हूँ। आप इनके छोटे से बुलावे पे यहाँ आना गवारा किया है, हम भी आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आप यहाँ के आज मेहमान खुसूसी और मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गांव से तशरीफ फरमा है और एक ऐसे मुकद्दस और पवित्र काम के लिए यहाँ पे चरण पादुकाएं पड़ी हैं मार्बल सिटी के अंदर। दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर का आज स्थापना हुई है। सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद चाहेंगे हम सब। अरबेदी जी आपके साथ खड़े हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, सरदाना जी हैं, मेयर हैं, और नरेश यादव जी आइकॉन जो युवाओं के बने हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर? हिसार की धरा पर आपके चरण पादुकाएं पड़ी हैं जी, इससे ज़्यादा आनंद का कोई विषय हो नहीं सकता। और इससे पहले भी मैं यहाँ पे आया था तो नरेश ने ही मुझे आमंत्रित किया था। अच्छा, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ये नरेश की मेहनत है, नरेश की लगन है, और मतलब केवल और केवल मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ पूरी मार्बल सिटी को के डेवलपमेंट के लिए। जी, जी, जी। तो एकमात्र व्यक्ति नरेश यादव है, इन्होंने पहले मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया था, मैंने जितनी चीज़ें बताई तो उसके हिसाब से नरेश ने केवल वो कार्य संपन्न नहीं किए बल्कि उनको एक आंदोलन का रूप दे दिया था। अमली जामा पहनाया और बाबा की कृपा हुई तो ये जो आप देख रहे हैं इतना मतलब जो है सब कुछ खिला वो सब बाबा की कृपा से। बड़े और नैना अभिराम दृश्य नजर आ रहे हैं। जी जी, गांव से निकला हुआ एक व्यक्ति इस मुकाम पे पहुंचे तो कैसा लगता है, गुरु को कैसा लगता है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि गुरु के लिए अगर शिष्य उन्नति करे तो आप यकीन मानिए उससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय कोई हो ही नहीं सकता। यही फसल है, सही पूछो तो आप, ये जब पुष्पित और पल्लवित होती है और इस मुकाम पर पहुँचती है तो उससे अधिक आनंद का विषय मेरे लिए तो कम से कम नहीं हो सकता। और नरेश के अंदर जो सबसे बड़ा गुण है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है उसकी जेब में अगर 5 रुपए हैं तो 10 रुपए किसी चीज़ के लिए लगा देगा, धार्मिक कार्यों के लिए। तो
आपको ऐसे व्यक्ति शायद मुझे तो कम से कम नहीं मिला है, मैं आपको अपनी बता सकता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी उन्नति ये करेगा उससे ज्यादा उन्नति इसके साथ वाले करेंगे, क्योंकि ये सबका ध्यान रखता है। मैंने इनके गांव के नैसर्गिक सौंदर्य को 4 बार कवर किया है। जी 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 जी, बेदी जी को भी मैंने इलम दिलाया कि भी आप भी वहाँ जाइएगा। सरदाना जी जो मेयर है इनको भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, गुरु जी आपका आशीर्वाद बना रहे। बस इतना ही कहूँगा कि वो हमारी आंखों के चश्मे तर में रहते हैं, कितने अजीब शख्स हैं पानी के घर में रहते हैं, तो आप हमारे आंखों के चश्मे तर में रहते हैं, आपका आगमन हुआ है। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। हाँ हाँ बता दीजिए। कर्मों से बनते दुष्ट और कर्मों से दानव बनते हैं, कर्मों से बनते नर पिशाच, कर्मों से मानव बनते हैं। वो कर्म ही है जिनसे कृष्ण ने अवतार की पाई है संज्ञा, वो कर्म ही है जिनसे एक नदी कहलाई माता गंगा। तो जो कर्म का जो विषय है उसका अगर आपको जीवंत और उत्तम उदाहरण देखना है तो नरेश यादव को आप देख सकते हैं। नरेश जी यानी कि ही इलस्ट्रेटेड द एग्जांपल फॉर द ऑल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सरदाना जी, थैंक यू बेदी जी, थैंक यू फॉर ऑल। नमस्कार सर, मार्बल सिटी में आज दक्षिण मुखी मंदिर की स्थापना हो रही है, कैसा लग रहा है जागरण में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा वासियों के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि जो यहाँ हनुमान जी की स्थापना हो रही है वो मगन ध्वज हनुमान जी है, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है। अच्छा। और इसके दर्शन मात्र से लोगों के संकट कट जाएंगे। ये वो हनुमान जी है, मगन ध्वज हनुमान जी, हाँ हनुमान जी और राम जी की पूजा करते हुए। बहुत अच्छा सुंदर दरबार लगा है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक मोहतरमा और जुड़ गई है, दोनों कैसा लग रहा है आपको यहाँ दरबार में आकर? साला सा दरबार लगा हुआ है, पूरा साला सा दरबार लगा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है। अब दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जी की स्थापना हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप मार्बल सिटी में ही रहती है? नहीं, हम लोग मार्बल सिटी में नहीं रहते हैं, शहर में। नरेश जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज्यादा तरक्की की है और बहुत ही स्थान के लिए धन्यवाद। सर हम डीएसपी जुगल किशोर जी को अन्य बातों में उलझाए रखते हैं, लेकिन आज ऐसी धर्मस्थली में आए हैं, मार्बल सिटी में आए हैं जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर की स्थापना होने जा रही है। और यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट सर, यू आर ऑलवेज वेरी स्मार्ट, यानी कि चलो धन्यवाद। तो इस यानी धार्मिक आयोजन के अंदर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये हमारे डीएसपी सिटी हासी हैं जुगल किशोर जी, आदरणीय और मेरे काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। देखिए बात, पहली बात तो ये है कि हम एक सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जी जी सर। तो जब हमारी जब अगर पृष्ठभूमि और हमारी पारंपरिक ये देखी जाए धार्मिक, तो उसमें सनातन धर्म की, तो उसमें हमारा एक अपना भी खुद एक बनता है कि योगदान कि हम उसको आगे अपने आने वाली विरासत को भी बतलाएं कि हम किस धर्म से जुड़े हुए हैं, लेगेसी को आगे बढ़ाएं उसको। जी हाँ। तो इसलिए इस कार्यक्रम में हम भी आए हैं और हम भी इसका आनंद उठा रहे हैं। आनंद उठा रहे हैं। हाँ जी। और कैसा लग रहा है ये वातावरण, एम्बियंस पूरा इस मार्बल सिटी का? कितना सुंदर वातावरण है। मंदिर बनने के बाद कैसा और लग रहा है ये? भव्य मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी बात नहीं है लोगों के लिए, और लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पूजा करेंगे, तो ये तो हमारे लिए सांस्कृतिक एक बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा समाज। वो शब्द नरेश यादव जी के लिए और बोल दीजिए, गांव का लड़का आके जब इतना कुछ करता है, गांव में भी करता है और यहाँ मार्बल सिटी में भी आके करता है। देखिए ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, वो हमारे परम मित्र भी हैं और उन्होंने इस भव्य मंदिर का आयोजन भी किया है यहाँ पे, एक उसकी स्थापना दिवस ये बना रहे हैं, तो हम उसको चाहते हैं भगवान उसको ये तरह तरक्की करे दे। गांव को तो चमन मना ही दिया उन्होंने, गांव को तो बिल्कुल, यहाँ भी वो चमन ही खिलाए, हम तो उनसे आशा करते हैं और भगवान उनके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख खुशियाँ लेके आए। सर आपकी शैली आज बिल्कुल बदली हुई है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है कि भगवान हनुमान के मंदिर के समक्ष आप खड़े हैं और इतने बढ़िया व्यूज आपने दिए हैं, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आपको साहब। चलो आपका बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि हम अपनी एक वो अलग ड्यूटी करते हैं, आज हमारी एक नई एक हमारे एक परिवार के साथ ये ड्यूटी है। आर यू आर लुकिंग वेरी ग्रेट टुडे, स्मार्ट लग रहे हो सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।